हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं ETF के थ्रू। इसके लिए मैं आपको दो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त स्ट्रैटजी बताने वाला हूँ और इसी के साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप 4 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता अपने ETF में तो आपको बिल्कुल 28,300 रुपये महीने की इनकम कैसे हुई होती। ये इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त स्ट्रैटजी आपको देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो इन जबरदस्त हाई डिमांडिंग स्ट्रेटजियों के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं तो मैं भी आपके लिए बताने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज, ईमेल, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए तो बताइए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको जबरदस्त स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप म्यूचुअल फंड से भी अधिक रिटर्न निकाल सकते हैं और एक नॉर्मल सिप से भी अधिक रिटर्न आप कैसे निकाल सकते हैं। ऐसी दो सिंपल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से आप उनका डिप्लॉय कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उनको लगा के और जबरदस्त और बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस अब तक जो टॉप ETF है इंडिया के, उन्होंने आपको कैसे रिटर्न दिए हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये टॉप ETF है इंडिया के, तो सबसे पहला ETF है CPSE ETF, जिसने आपको 85.52% के रिटर्न बना के दिए हैं। इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल का ETF आता है SNP BSE, तो इसने देखिए 66.92% के रिटर्न बना के दिए हैं। और इसी के साथ आता है कोटैक निफ्टी अल्फा, जिसने 66.12% के रिटर्न आपको बना के दिए हैं। और कहानी सर यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद भी देखिए 1 ईयर के रिटर्न में बहुत सारे ETF है जिसने 60% से ऊपर आपको रिटर्न दिए। निफ्टी नेक्स्ट 50, आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी दिए हैं, UTI नेक्स्ट 50 ने भी आपको दिए हैं। तो आप ETF कोई सा भी चूज कर लिए किसी भी कंपनी का, लेकिन उस इंडेक्स ने जैसे रिटर्न दिए लगभग वैसे ही रिटर्न इन ETF ने दिए हैं। हल्का सा ट्रैकिंग एरर होता है, बस उसी के अनुसार रिटर्न इंडेक्स के अनुसार थोड़े से इधर उधर रहते हैं, और हर ETF के जो ट्रैकिंग एरर तो एरर होता है उसमें अलग अलग होता है। इसी वजह से हर ETF का सेम इंडेक्स पर रिटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसे ही रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50, इन्होंने भी जबरदस्त रिटर्न आपको बना के दिए हैं। लॉट ऑफ ETF हैं, लिस्ट भरी पड़ी है, जबरदस्त रिटर्न ये आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पॉपुलर जो ETF है वो है आपका CPSE, इसने 85.52% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ लमसम कैलकुलेटर पर, वहाँ पे आप देखेंगे एक जादू, बिल्कुल जादू देखने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 लाख रुपए का अमाउंट लिया है सर। 4 लाख रुपए अगर किसी ने CPSE में इन्वेस्ट किए होते, जैसा कि मैंने आपको दिखाया CPSE ने कितने रिटर्न दिए हैं, 85% से भी ऊपर के रिटर्न, ठीक है, लेकिन मैं राउंड अप में ले लेता हूँ कि 85% के रिटर्न दिए। अगर मैं इसका टाइम देखूँ तो 1 साल का टाइम रख देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपए है। आपका जो फ्यूचर अमाउंट है वो कितना बनेगा, 3,40,000 रुपये। तो उसको कितने पैसे सर बने, 3,40,000 रुपये का उसको जो है इस पर रिटर्न बना। अगर आप इसे 12 से भाग करेंगे तो 1 साल का जो रिटर्न आएगा वो आएगा 28,333 रुपये के आसपास। आप कैलकुलेट करिए, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन मैं एक बिल्कुल आप इसको देखिए कैलकुलेट करिए, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि राउंड ऑफ में ले लेते हैं कि लगभग 28,300 रुपये का रिटर्न बनेगा। सारे टैक्सेस वगैरह भी आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28,300 रुपये दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है, 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर कहीं से 28,300 रुपये बनने हैं जो कि CPSE ने बना के दिए हैं। देखिए अपनी तरफ से मैं कोई भी बात नहीं कर रहा, मैंने आपको दिखाया कि CPSE ने क्या रिटर्न दिए हैं आपको 85% के आसपास, और अगर उसमें किसी ने 4 लाख रुपये निवेश करे होते तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर की करने वाली बात नहीं है, और ये देखिए कैलकुलेटर भी आपके सामने, आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से निवेश कर सकता है, जिसको चार्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जिसको इंडिकेटर का ज्ञान है वो भी निवेश कर सकता है, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है
अगर वो सिंपल से कैलकुलेशन कर लेता है, अगर वो प्रतिशत भी निकाल लेता है, तब भी वो वहाँ पे निवेश करके अपने रिटर्न को बहुत ही हाईजेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर नॉर्मल SIP या म्यूचुअल फंड में है या ETF में है सर, अगर आपको वो 15% के रिटर्न प्रोवाइड करके दे रही है ना, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को लगा लेते हैं तो आपके ये रिटर्न बढ़ के सर 30 से 35% हो जाएंगे। बिल्कुल आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान से देखिए, मैं दो मेथड आपको बताने वाला हूँ, दोनों मेथड आपके काम के होने वाले हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करने से पहले आप खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए कि आपको बिल्कुल इस तरीके से निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप ETF में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप SIP कर ही रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, आप किसी भी ETF में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आपके रिटर्न तो वैसे भी बढ़ने ही वाले हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, ऑल पे दबाए हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू तरीके से, तो आप रिटर्न तो पक्का बना रहे होंगे, आप प्रॉफिट पक्का मार्केट से निकाल रहे होंगे और आपके रिटर्न इनहेंस भी हो रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने किस स्ट्रेटजी के थ्रू कितने प्रॉफिट मेरे चैनल से बुक किए हैं, यानी कि आपके अपने चैनल से बुक किए हैं, आपका अपना ही चैनल है ये, और मैं आपको जो भी स्ट्रेटजी बताता हूँ आपने इम्प्लीमेंट करके देखा कितने रिटर्न बनाए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, जल्दी से करिए। तो इसके लिए अब हम चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मेथड है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले ETF आपको बताया, उसमें लिस्ट में दिखाया कि पहला ETF था आपका CPSE, दूसरा अल्फा था, तीसरा निफ्टी बैंक नेक्स्ट नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 था, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी ETF थे, लॉट ऑफ ETF। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अल्फा का, ठीक है सर, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी नंबर वन क्या होने वाली है कि आप किसी भी जो है जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं उस पर आप चार्ट लगा देना है, और वन डे का इसका चार्ट रखना है, टाइम फ्रेम वन डे का ही रखना है। और इसी के साथ साथ आपको एक एक इंडिकेटर का यूज करना है जिसका नाम है सर RSI, फेवरेट इंडिकेटर है मेरा, जबरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे ही आप इसको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके सर्च करेंगे, मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, वहां से जाके आपको ये मिल जाएगा। इसकी बाई डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो रहती है सर 70, और नीचे वाली लाइन रहती है 30, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन को किया हुआ है 60 और नीचे वाली लाइन को किया हुआ है 30। अब इसका बेनिफिट क्या है, सॉरी मैंने नीचे वाली लाइन को किया हुआ है 40, ऊपर वाली लाइन को किया हुआ है 60। तो मैंने इतने से इसमें बदलाव करे हैं और इस लाइन को थोड़ा सा कलर किया हुआ है मैंने, ताकि ये अच्छी दिखे, खूबसूरत दिखे। तो अच्छी दिख भी रही होगी आपको, कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके बताइए। अब आपको करना क्या है, ये तो मैं रोज ही दिखाता रहता हूँ आपको, लेकिन आप देखिए अगर आप एक नॉर्मल SIP कर रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल SIP कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, SIP लगातार कर तो रहे ही हैं, ठीक है। अगर आप उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस कर देते हैं कि इस इंडिकेटर को डाल देते हैं अगर आप अपने चार्ट पे, ठीक है, और थोड़ा सा समय निकाल के देख लें कि जब भी RSI 40 के आसपास आपको मिले, तो ये देखिए प्राइस भी आपको बहुत नीचे मिलता है, इसे कहते हैं बाय ऑन डिप, ठीक है सर, नीचे के लेवल पे आप खरीद सकते हैं बाय ऑन डिप। तो इससे आपके प्रॉफिट इन्हेंस हो जाएंगे क्योंकि आप स्मार्ट SIP कर रहे हैं। अब आप नॉर्मल SIP से कहाँ आ गए, अब आप स्मार्ट SIP पे आ गए, तो आपके रिटर्न तो बढ़ेंगे। अगर आप किसी भी ETF को यहाँ खरीदेंगे निचले स्तर पे, देखिए टॉप और बॉटम तो मार्केट में कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन हाँ उसके आसपास जरूर पहुँचा जा सकता है, उसके आसपास खरीदारी जरूर की जा सकती है कि इन स्ट्रेटजी के थ्रू। तो देखिए आपने इसको बॉटम पे लगभग यहाँ पे खरीदा, ठीक है सर, बॉटम पे खरीदा यानी कि निचले लेवल पर, उसके बाद ये ऊपर गया, तो एक नॉर्मल रिटर्न की अपेक्षा आपके रिटर्न इसमें बिल्कुल बढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये RSI 40 के नीचे मिल जाती है, ठीक है सर, 35 मिल जाती है आपको, ये RSI 30 मिल जाती है आपको, ये RSI 25 मिल जाती है, इवन अगर 20 भी मिल जाती है, तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा होने वाला है बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये 40 इसलिए लगाया क्योंकि ज़्यादातर ETF जो है ना 30 के आसपास बहुत कम जाते हैं, जो बाई डिफ़ॉल्ट इस पे 30 लगा रहता है ना इंडिकेटर पे, तो 40 के आसपास आपको ज़्यादा ETF मिलेंगे। और आप देखोगे 40 के आसपास भी ये रियर में ही जाते हैं ना, जब फ्लक्चुएशन अच्छा रहता है जिन ETF में, तो आप देखेंगे कि इसलिए मैंने इसको 40 किया हुआ है। और अगर आपको 40 के नीचे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी आप इस एक किसी शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप जो है पूरा एक गुच्छा खरीद रहे हैं शेयरों का, पूरा एक जो है झुंड खरीद रहे हैं,
और आप जो है निवेश कर रहे हैं, आप नॉर्मल तो निवेश कर ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आपके रिटर्न जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड से बेहतर तो होने ही वाले हैं और नॉर्मल SIP से ही बेहतर होने वाले हैं। अब एक बार इस चार्ट पे पीछे चल के भी देख लें कि जब जब ये दुर्घटना घटी है, यानी कि RSI 40 या 30 के आसपास गया है, तो क्या वाकई में आपको निचले प्राइस पे ये मिला था? तो देखिए एक जगह ये रही साहब, यहाँ पे घटना वाली है ना, यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे है बिल्कुल, और ये देखिए ये RSI भी कहाँ है, 40 के नीचे है, बिल्कुल नीचे है। तो अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे, आप यहाँ पे खरीद रहे हो, आप यहाँ कहीं पे खरीद रहे हो, तो एक जो निश्चित डेट लगा के आप SIP करते हैं ना, उसको ना करके अगर आप बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी अपनाओगे इस इंडिकेटर को लगा के, तो आपके रिटर्न तो इनहेंस होंगे या नहीं होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बता सकते हैं कि आपके रिटर्न बढ़ने वाले हैं या नहीं। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, और देखिए एक दिन में ही प्राइस ऊपर नहीं भाग जाता। आपने एक दिन नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कैंडल बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, छठवा बना, तो ये एक एक कैंडल कितने दिन का है, एक दिन का, एक दिन में फॉर्मेशन हो रही है एक कैंडल की, तो आप कभी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जब भी आपको 40 के नीचे मिलता है RSI, यानी कि 25, 20 अगर यहाँ पे मिलता है ना, तो जो आप नॉर्मल SIP में रकम डाल लेना सर, इसको बढ़ाइए, एक्स्ट्रा कीजिए, एक्स्ट्रा कीजिए इसको, बिल्कुल आपका पैसा और भी तेजी से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा इसको। जो SIP तो आप कर ही रहे हैं, किसी भी ETF में कर रहे हैं, देखिए मैं अल्फा का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद का रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो केवल आप इसे उसी माध्यम से लीजिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें वाकई में कैसे काम करती हैं और आप इनका इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल निवेश से हटके अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाते हैं, तो आपके रिटर्न कैसे इन्हेंस किए जा सकते हैं। तो ये देखिए एक एग्जांपल और है, ये आया सर, ठीक है, आप इसे और किसी चार्ट पे भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट ETF है, जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी ETF में इस स्ट्रेटजी को लगाएंगे, तो ये आपको बाय ऑन डिप के मौके देगा और ऐसे शानदार और जबरदस्त मौके देगा। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ETF, देखिए यहाँ पे कहाँ गया था सर, ये 20 के आसपास आ गया, इस कारण से ये 20 से भी नीचे आ गया, तो देखिए गिरा नहीं गिरा, धड़ाम से गिरा, बिल्कुल नीचे तक गिरा, ठीक है सर। तो कितना टाइम दिया इसने इन्वेस्टमेंट करने का, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं देखा सर तो हमने भाग गया ऊपर। तो आप जो भी SIP कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको बंद कर दीजिए, लेकिन उसको 50% कर दीजिए और 50% आप इससे कीजिए, जैसा कि मैंने दिखाया CPSC ने कितने जबरदस्त आपको रिटर्न बना के दिए, दिए या नहीं दिए, तो आप भी चेकआउट कर सकते हैं एक बार जाके, मेरे बताने पे मत जाइए, खुद से भी चेक कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, अगर पैसा आपको बनाना है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो जब जब ये 40 के नीचे मिलेगा, 30 के नीचे मिलेगा, 20 के आसपास मिलेगा, ये आपको बम्पर रिटर्न बना के देंगे ETF, बम्पर रिटर्न। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये थी स्ट्रेटजी नंबर फर्स्ट। अब कुछ लोगों से ये भी नहीं होता, अब बहुत सारे लोग थोड़े से ऐसे भी हैं सर कि हमसे तो ये इंडिकेटर लगेगा नहीं या हमको तो समझ में नहीं आता, तो उनके लिए एक और भी बेहतरीन और ज़बरदस्त मेथड मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको कोई भी जो है ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको जो है चार्ट भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है सीधा सीधा एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप देखेंगे इसका प्राइस इस समय क्या चल रहा है सर, ETF का अल्फा का इस समय जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि CMP प्राइस, तो वो हम देखते हैं क्या चल रहा है, 57 रुपये 43 पैसे, ठीक है सर, आपके सामने है 57 रुपये 43 पैसे इसका प्राइस है, ठीक है सर। अब आपको इसमें SIP करनी है या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम करना है या कैसे भी करना है, जैसे भी आपको करना है, तो आपको करना क्या है, आप इसमें 2% घटा के देख लीजिए 57 रुपये 43 पैसे में, जिस दिन आपको ये मिले 2% नीचे मार्केट में, ठीक है सर, इस प्राइस से जहाँ पे ये चल रहा है, उस दिन आप इसमें अपनी SIP डालिए, जो भी आप लमसम डाल रहे हैं वो डालिए, ठीक है सर। यहाँ पैसा भी कर सकते हैं, 2% नहीं गिरता आपका वाला ETF जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, तो आप 1% का बाय अप डिप रखिए उसमें, जब भी वो 1% गिरेगा आप अपनी SIP उस डेट को डालिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट उसी डेट को डालिए, आपने जो नॉर्मल डेट लगा के एक सेट कर रखी है उसको छोड़िए, आप जो है इसके तरीके से काम कीजिए, आपके रिटर्न इनहेंस हो जाएंगे, बिल्कुल इनहेंस हो जाएंगे, क्योंकि आप
मार्केट में 1% डिप पे जो है खरीद रहे हैं, 2% डिप पे खरीद रहे हैं, आप 50% पैसा 1% पे डाल दीजिए और नीचे गिरे 2% डाल दीजिए। आप बोलोगे सर 1% गिर गया लेकिन उसके बाद ऊपर भाग गया, तो पैसे को बचा के रखिए, अगले महीने भी गिरेगा, मार्केट एक दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। जब भी 2% गिरे आप वो सारा पैसा उठा के डाल दीजिए, पिछले महीने का भी और अगले महीने का भी जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे भी डाल सकते हैं। और जिस दिन आपको मार्केट एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे दे, 3% गिर जाए, जब आपका ETF 5% गिर जाए, उस दिन तो सर आपके पास जो अगले महीने का भी है ना, तो एक्स्ट्रा जो कैपिटल है, एक्स्ट्रा जो आप इसमें पैसा डालना चाहते हैं वो उस दिन डाल दीजिए, ठीक है सर, एक्स्ट्रा पैसा आप उस दिन डाल दीजिए। तो ये दो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटजी, पहली स्ट्रैटजी है सर, आप जो है इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं बाय ऑन डिप के लिए, आप प्रतिशत का यूज कर सकते हैं किसी भी ETF में बाय ऑन डिप के लिए, तो आपके रिटर्न जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे, बूम करेंगे। जो आप 15% नॉर्मल निकाल रहे हैं ना SIP के थ्रू, जो आपको दिख रहे होंगे या मिल रहे होंगे, वो रिटर्न आपके इनहेंस होके कम से कम 30 से 35% होने वाले हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, और जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल फंड से अधिक रिटर्न आप निकाल पाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, सर इसको आप ना CMP पे बाय कर सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज, करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, जबकि इसको आप नहीं कर सकते। जब भी मार्केट में आप ऑर्डर डालेंगे इसका, किसी भी समय डालिए, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद जो भी इसकी NAV निकल के आएगी उसी पे आपको इसके यूनिट मिलेंगे। लेकिन इसका जो है यूनिट आपको दिख रहा है 57 रुपये 43 पैसे का, उसी रेट पे आपको करंट मार्केट प्राइस में मिल जाएगा, जैसे आप शेयर खरीदते हैं ना बिल्कुल उसी की तरह मिलेगा। लेकिन इसमें सिक्योरिटी क्या है म्यूचुअल फंड वाली, क्यों है, क्योंकि ये इंडेक्स पे भी काम करते हैं, इनमें आप शेयरों का झुंड खरीद रहे हैं, पूरा गुच्छा खरीद रहे हैं, बास्केट खरीद रहे हैं, जो भी आपको समझ में आए, यानी कि आप एक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप बहुत सारे शेयरों का गुच्छा खरीद रहे हैं और उसमें निवेश कर रहे हैं आप, ठीक है। और इन सारे ETFO की, सारे इंडेक्सों की रिबैलेंसिंग होती रहती है, तो उसमें जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती उसको आउट कर दिया जाता है जी, जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको इसके अंदर ही रखा जाता है, ठीक है, और लगता है कि अच्छा नहीं कर रही तो दूसरी जो अगली कंपनियां उनको इसमें इन कर लिया जाता है। तो ये सारा काम भी आपको करने की जरूरत नहीं, ये भी ऑटोमेटिक तरीके से होता है, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक तरीके से होता रहेगा। तो आप निवेश तो कर ही रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। अगर आपने नहीं खोला है तो खोलिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी खोल सकते हैं। और दोस्तों पैसे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं, उसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, उसमें मैंने आपको जो स्ट्रैटजी साझा करी हैं वो इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन है कि वो लाखों रुपए के कोर्स में पेड में बिकती हैं, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। तो एक बार उनको जाके देखिए, वॉच कीजिए, इनको शेयर कीजिए अपने नियर डियर के साथ, फ्रेंड के साथ, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए सर उन लोगों के साथ जो लगातार मार्केट में लॉसेस किए जा रहे हैं या जो इस कंफ्यूजन में कि निवेश कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, तो इससे उन्हें थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा इस वीडियो से, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू कर पाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप जो है अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बगल में घंटी के आइकन को जरूर दबा के जाइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए शानदार और बेहतरीन वीडियो इसी तरीके से लाता रहूं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।